Hello students, how are you all? I hope you all are good. So today we will start the new topic, that is refractive index. It's very easy and interesting topic, right? What is refractive index? First of all, you should know the symbol of refractive index. You can either write mu, this is known as mu, or eta. Like this, okay? How can you find out the refractive index? Before finding the refractive index, आपको ये points clear होने चाहिए कि क्या कैसे हम पता लगाएंगे कि किसका refractive index ज़्यादा है, किसका refractive index कम है। बेटा, जो जितना ज़्यादा जिसका जिस भी medium का refractive index होगा, जिस भी medium का refractive index ज़्यादा होगा बेटा, वो उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ वाटर का और एयर का, ठीक है, विच इज़ मोर ऑप्टिकली डेंसर? वाटर इज़ मोर ऑप्टिकली डेंसर इन कंपैरिजन टू एयर। सो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेटा, वो ज़्यादा होगा एयर की कंपैरिजन में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा एयर की कंपैरिजन में, ठीक है। अगर वही मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि आपसे मैं ये कहूँ, आइस मैंने लिया, आइस, और बेटा सेकेंड लिया मैंने वाटर, विच इज़ मोर ऑप्टिकली डेंसर? आइस इज़ मोर ऑप्टिकली डेंसर एंड इट हैज़ मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Ice has more optically denser and it has more refractive index in comparison to water. ठीक है, वहीं अगर हम बात करें डायमंड का, कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है या फिर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, बताइए। तो बेटा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एयर की कंपेरिजन में, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। विच वन हैज़ मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? डायमंड हैज़ मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कंपेरिजन टू एयर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपको ये समझना है बेटा, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी बेटा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज। ओके, उसी के बाद अगर हम बात करें, अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो आप कहेंगे लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी बेटा। लाइट की स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर डेंसर से, अगर लाइट जो है आपकी डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है, तो आपकी वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो स्पीड क्या होगी बेटा? इंक्रीज। स्पीड क्या होगी? इंक्रीज। अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड क्या होगी आपकी? डिक्रीज होगी। Is that clear? I hope this point will be clear to you. ठीक है, come to the next point. Next point हमें देखना है कि how can you find out the refractive index? ध्यान समझना, ये refractive index का symbol है। आपको अगर कभी भी लिखा आता है, जैसे कि refractive index 2 with respect to 1, आपको अगर ऐसे लिखा है कि refractive index 2, तो यहाँ पहला जो होता है, जो 2 है आपका स्टार्टिंग में है, तो आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है बच्चे? 1 के रिस्पेक्ट में। आपको 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है बेटा 1 के रिस्पेक्ट में। तो कैसे याद रखना है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है 2 का, उसकी स्पीड ऑफ लाइट उसकी इस मीडियम में आपको स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। कैसा मीडियम है बेटा? सेकेंड मीडियम में निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको हम रखेंगे ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है।
वही मैं अगर एग्जांपल देती हूँ कि आपको 1 और 2, तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है? आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? 2 के रिस्पेक्ट में। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका स्पीड नीचे, तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ऊपर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इट्स वेरी इजी। जैसे कि एग्जांपल, मैं आपको कहती हूँ कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको बेटा? वाटर का। तो नीचे लिखेंगे फॉर्मूले में, जिसका निकालना है उसका स्पीड नीचे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाटर, ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ग्लास। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इसको कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है? वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो कैसे करेंगे? जिसका निकालना है उसकी स्पीड नीचे, जैसे कि v स्पीड वाटर का निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ऊपर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। लेकिन अगर हम ये कहें आपसे कि आपको ग्लास का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसका निकालना है उसका स्पीड नीचे, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका स्पीड ऊपर, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका निकालना है विद रिस्पेक्ट टू, ये दोनों हमेशा ऐसे रहेंगे इनवर्स। ये लर्न कर लेना ये पॉइंट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज नथिंग। सिंपल टर्म में अगर हम कहें ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि आप किसी भी आप क्या निकाल रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो किसी भी मीडियम का, किसी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, बट वो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए बेटा? एयर के रिस्पेक्ट में। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे कोई ये कहे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो ग्लास का, किसका निकालना है? ग्लास का। तो एब्सोल्यूट का मतलब है कि हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हवा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ स्पीड किसकी? मीडियम लाइट की, ग्लास मीडियम में, ऊपर एयर में। तो एब्सोल्यूट का मतलब है कोई भी मीडियम हो, जैसे कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है अल्कोहल का विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें ना, तो दैट टर्म इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। इज दैट क्लियर बेटा? यस बेटा, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो इसको ध्यान से समझना। न्यूमेरिकल ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लाइट एंटर करती है हवा से ग्लास में। जब लाइट ने एंटर किया एयर से ग्लास के अंदर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था आपका 1.50। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट? आपको पता है स्पीड लाइट की क्या होगी ग्लास मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि लाइट ने एंटर करा है, मैं रब कर रही हूँ इसको, लाइट ने एंटर करा है एयर से ग्लास के अंदर। ठीक है, और वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपका 1.5। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है, किसके रिस्पेक्ट में दिया है बेटा? वो एयर के रिस्पेक्ट में। तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया हुआ है? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में दिया? एयर के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला बताया था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी स्पीड नीचे, वी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, किसके रिस्पेक्ट में? उसकी स्पीड ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर।
आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो स्पीड रहेगी लाइट की एयर के अंदर और वैक्यूम के अंदर दोनों में सेम रहती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट को क्लियर कट याद कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो मैं स्पीड ऑफ लाइट लिखूंगी नीचे ऊपर 3×10^8 और ग्लास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इसको VG लिख लिया। और हमें यही निकालना है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये VG हमारा यहाँ चला जाएगा, ठीक है, 1.5 वहाँ आ जाएगा। तो VG इज इक्वल टू 3×10^8 डिवाइडेड बाई 1.5 टू, आंसर विल बी 2×10^8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, रिमेंबर दिस पॉइंट। येस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम में जनरली 1 or 2 marks में हमेशा पूछा जाता है कि जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यू हैव गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दैट इज 2.42, व्हाट डज इट मीन। क्वेश्चन इज वॉन्ट टू आस्क कि व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड का 2.42 है, ठीक है, इसका मतलब क्या, समझो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। मतलब सिंपली आपको बोल दिया है कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना डायमंड का दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट 2.42। मैंने आपको बताया है जब कभी रिस्पेक्ट में ना दिया जाए तो दैट मीन्स इट इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये कहीं ना कहीं एयर के रिस्पेक्ट में है। तो आप यहाँ फॉर्मूला पुट करो, ठीक है। मैंने बताया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका स्पीड नीचे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डायमंड, ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एयर, राइट। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए बच्चे। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको गिवन है ये 2.42, राइट बेटा, और ये वैल्यू आपको पता होती है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में हो या मीडियम वैक्यूम में हो दैट इज 3×10^8, ओके। और आपने ये निकालना है, ठीक है। तो हमने लिखा वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डायमंड 3×10^8 और नीचे लिख दिया 2.42। तो कहना ये चाह रहा है कि आपका इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब ये बता रहा है कि जो डायमंड जो स्पीड ऑफ लाइट है डायमंड मीडियम के अंदर वो क्या हो जाएगी, इतने रेट से डिक्रीज होगी। ये स्टेटमेंट का मीनिंग है कि जो डायमंड मीडियम में लाइट का जो स्पीड है वो कितने रेट से डिक्रीज होगी, इतने रेट से 2.42 से डिक्रीज होगी। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, राइट। ठीक है बेटा, ओके, जस्ट टेल मी वन पॉइंट मोर, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज ट्रैवल्ड फास्टेस्ट, केरोसिन, टर्पेंटीन और वाटर। यस, केरोसिन है, टर्पेंटीन है, वाटर है। किस मीडियम में आपका स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा और किस में कम होगा? जो जितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा बेटा उसमें उतना ही ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, राइट। तो अगर मैं बात करूँ तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपको लर्न नहीं करना, गिवन होता है एग्ज़ाम में, बोर्ड में दिया जाएगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया गया 1.33 और टर्पेंटिन का दे दिया 1.47 और बच्चे आपको केरोसिन का दे दिया 1.44, ठीक है। अब आप बताओ विच वन हैज़ मोर ऑप्टिकली डेंसर एंड विच वन हैज़ मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यू विल ईजली टेल मैम टर्पेंटिन ऑयल हैज़ मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कंपेरिजन टू केरोसिन ऑयल एंड इन कंपेरिजन टू वाटर। सो यू विल राइट कि टर्पेंटिन अमंग ऑल हैज़ मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड हैज़ मोर ऑप्टिकली डेंसर देन अदर टू दैट इज केरोसिन ऑयल एंड द वाटर। इज़ दैट क्लियर बच्चे? आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू बच्चे, वॉच दिस वीडियो केयरफुली। इफ़ यू हैव एनी डाउट कम्स प्लीज़ आस्क एंड थैंक यू।